अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान क्ले टाइल में खुश आमदीद। आज मैं आपको खपरेल टाइल लगने से पहले जो केमिकल किए जाते हैं वो दिखा रहा हूँ। ये साइड जो है अभी केमिकल नहीं की गई है, अभी बिल्कुल रफ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल रफ, ये विदाउट केमिकल है। आप जब केमिकल करते हैं तो ये जो मसाम आपको नज़र आ रहे हैं इसके, ये मसाम ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो सेम करने का सारा काम वो जो बंद हो जाता है, सेम करने का किसी किस्म का कोई इम्कान भी नहीं रहता है। आए मैं केमिकल आपको जो किया गया है वो दिखाता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, ये केमिकल इसको हुआ हुआ है, ये पूरी साइड पे केमिकल किया गया है। ये जो आपको इस साइड पे मसाम नज़र आ रहे हैं ये केमिकल वाली जगह पे नहीं है, ये केमिकल सिर्फ़ उन्हीं जगह पे किया जाता है जो कनोपी के ऊपर, जो छत के ऊपर आती हैं, जिनके नीचे छत होता है और घर की छत के साथ जिसका कनेक्शन होता है। कुछ लोग कनोपी जो हैं वो छत से हट के बनाते हैं और कुछ वो छत में ही वो कनोपी आ रही होती हैं। तो जहाँ कनोपी जो हैं वो छत के ऊपर आएँ वो केमिकल करना ज़रूरी है, ताकि ये लीकेज का मसला ना आए। या प्लास्टर भी चेक कर सकते हैं खपरेल लगाने से पहले किस लेवल का किया गया है। ये जो साइड है अगर लंबाई में आप इसके चपटी रखते हैं तो ये बिल्कुल लेवल में आए। किसी किस्म की खपरेल टाइल चाहिए हो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।